I'm gonna make it.
स्वराज अभियानचे राष्ट्रीय संयोजक प्राध्यापक आनंद कुमार यांचं मी पुण्यामध्ये स्वागत करतो. स्वराज अभियानचे प्रथम सदस्य व संस्थापक माननीय योगेंद्र यादवजी यांचं मी स्वागत करतो. आणि स्वराज अभियानचा पहिला स्वराज सामंत जसा ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिवशी साजरा करण्यात आला होता, तसेच ऐतिहासिक महत्त्व असलेले महाराष्ट्राचे पुरोगामी व्यक्तिमत्व माननीय महात्मा फुले ज्यांनी स्वातंत्र्य लढ्याचे जळवण इंग्रजांपुरतीच मर्यादित न ठेवता चळवळीची व्याप्ती रूढी परंपरावादी व सनातनवादी व्यक्तींच्या विरोधात नेली, ज्यांनी स्त्री शिक्षणवाद अस्पृश्यता व गोरगरिबांसाठी काम केले अशा महात्मा फुले. हॅलो, मी विनंती करतो की प्राध्यापक आनंद कुमार और प्राध्यापक योगेंद्रजी मंच पे आए. कैप्टन दास जी को जो प्राध्यापक आनंद कुमार जी को महात्मा फुले जी की पगड़ी और शाल देके उनका स्वागत करें. Thank you.
प्रास्ताविकता संजय साने सर करते आशीष प्रवीण जी आणि सर्व सहकाऱ्यांना सलाम सगळ्यांना जोरदार धन्यवाद पहिल्या सत्राची पहिला जो सत्र होने वाला है योगेंद्र भाई वो है स्वराज कल्पना के ऊपर कार्यकर्ता और लोगों की क्या राय है अपेक्षा ऐसी है कि जो कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं वो अपना नाम यहाँ लिख कर भेजेंगे कि उनको बोलना है तो किसी को 2 मिनट किसी को 3 मिनट बोलने दिया जाएगा औरंगाबाद से हमारे कुछ माथाड़ी कामगार आए हैं असंगठित मजदूरों के में काम करने वाले सुभाष लोमटे जी के नेतृत्व में तो उनकी इच्छा है कि उन्होंने आपके दोनों के लिए हार लाया है तो उसका स्वीकार आप करें तो विनती है दोनों को कि उस हार का स्वीकार करें सत्र जो है स्वराज कल्पना और स्वराज अभियान की जो भूमिका है उसके बारे में उसका एक अध्यक्षीय मंडल यहाँ पे होगा उनके सदस्यों को मैं विनती पूर्वक यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहता हूँ आदरणीय वेंकट सुब्रमण्यम जी कहाँ पे हैं वो मंच पे आए हाँ आपके लिए कुर्सी रखी है उधर उसके बाद में इब्राहिम खान कहाँ पे है बाद में नेहा शुक्ल जो गंधोली से आई है उनको विनती है कि वो मंच पे बैठे और औरंगाबाद के हमारे मराठवाड़ा के नेता अन्ना भंडारे जी है उनको विनती है कि वो भी मंच पे आए इस सत्र का संचालन कल्याण से हमारे साथी आए महादेव गर्गे वो करेंगे तो आप जिन साथियों को आनंद कुमार जी का बयान सुनने के बाद में इस विषय में कुछ बोलना है वो नाम महादेव जी के पास लाके देना है ताकि उसका वो अध्यक्षीय मंडल नियोजन भी करें ठीक है आज का ये स्वराज अभियान महाराष्ट्र का 15वां अभियान संवाद का अभियान है आप सभी लोग ये जानते हैं कि इन हालातों में हम सभी लोगों को एक निर्णय लेना पड़ा मैं आप सबको एक खबर सुनाने वाला हूँ जिसका आप सारे उसके साथ में स्वागत करेंगे औरंगाबाद के हमारे नेता सुभाष लोमटे और उनके सभी सहकारी जिन्होंने कल ही आम आदमी पार्टी का इस्तीफा दिया है और वो स्वराज अभियान में शामिल हुए हैं तो उसके पहले आप सब जानते हैं कि सोलापुर की एडवोकेट सविता शिंदे ने भी ये काम किया था उन दोनों को हम सुनेंगे लेकिन शाम की जो जनसभा है उसमें उनको आह्वान किया गया कि वो वक्ता के रूप में यहाँ होंगे तो मैं अधिक समय न लेते हुए आपसे आज का जो दिन कार्यक्रम है वो इनाम का जो बाहर दिया हुआ है उसका टाइमिंग शिफ्ट हो गया है 1-1 घंटे से तो स्वराज कल्पना के ऊपर बहस होगी उसके बाद में हमारे डॉक्टर मंगेश सावंत यहाँ आए हैं जैतापुर से तो जैतापुर अणु ऊर्जा प्रयोग में से क्या हानि हो सकती है उसके बारे में जानकारी देंगे बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी नहीं है की जानकारी सगळ्यांना देण्याची और त्याचं संचालन विक्रम करण्याची करतील आणि त्याच्यानंतर जे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन स्वराज अभियानने कालपासून सुरू केलं त्या किसान आंदोलनाची चर्चा आपल्याला या ठिकाणी करायची आहे ते सत्र सुरू होईल त्याच्या मध्या काळात प्रेस कॉन्फरन्स सुद्धा होईल शेजारच्या रूम मध्ये पण आपलं सत्र आपण चालू ठेवायचं आहे म्हणजे त्याच्यात व्यत्यय येणार नाही आणि त्या सत्राचा समारोप जो आहे तो योगेंद्र यादव जी करणार आहेत आणि पुन्हा जे किसान आंदोलन कसं करायचंय ते आपल्याला सांगतील त्या सत्राची सुरुवात
मी डॉक्टर सोमनाथ त्रिपाठी यांना विनंती करणार आहे की हे आंदोलन कसं पुढे घेऊन जायचं आहे त्याच्याबद्दल थोडक्यामध्ये आपल्या सगळ्यांना त्यांनी दुपारच्या सत्रामध्ये सांगावं आणि त्याच्यानंतर जनसभा होईल त्यात सुद्धा पुन्हा आपले लोक आणि या परिसरामध्ये मानव कांबळे आणि मारुती बापकर यांच्या संपर्कातले जे कामगार संघटनांचे कार्यकर्ते आहेत जे पूर्ण वेळ आज इथे उपस्थित राहू शकत नाहीत परंतु संध्याकाळच्या सभेला तर मात्र आवर्जून येणार आहेत त्या